हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हमारे पास गाड़ी होती है तो गाड़ी में ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जैसे ही हम ऑन करते हैं ना, इसकी लाइट बहुत सारी ये लाइटें दिखाता है इसमें। तो काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है कि लाइटें किस किस चीज़ की होती है और कौन कौन सी होती है। इसमें से कुछ लाइटें होती है जो इग्निशन ऑन करते ही आती हैं और कुछ सेकंड के बाद चली जाती है, और कुछ ये लाइटें जैसे ये अभी जल रही है ना, ये अभी जलती रहती है जब तक कि हम अपना गाड़ी को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो वही लाइटें जो आज है ना, उनके बारे में जानेंगे कि कौन सी लाइट किस चीज़ का काम करती है और किस चीज़ को इंडिकेट करती है, और कौन सी लाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी लाइट नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैंने कर रखा है इग्निशन ऑन। तो मेरे पास है डिज़ायर और 2019 का वेरिएंट है, न्यू शेप की। तो इसमें अभी ना इग्निशन ऑन करने के बाद ये वाली लाइटें आ रही हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो लाइट है, ये सभी को पता है, इसकी अपना हैंड ब्रेक की लाइट होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइट है, ये है पावर स्टेयरिंग की। अभी जैसे इग्निशन ऑन है और गाड़ी स्टार्ट नहीं करी मैंने, तो ये जो हमारा स्टेयरिंग होता है ना, ये अभी पावर इसकी काम नहीं करेगी, मतलब पावर स्टेयरिंग काम नहीं करेगा। जैसे हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये पावर स्टेयरिंग भी काम करने लग जाएगा और यहाँ से ये लाइट भी चली जाएगी। उसके बाद ये अगली लाइट जो आती है, ये वाली भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट है ये गाड़ी के अंदर। इसको बोलते हैं चेक इंजन लाइट। और चेक इंजन लाइट ये कब जलती है, या तो आपकी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम हो तब जलती है, और या फिर जैसे आजकल वो CNG लगवा लेते हैं ना बाहर से, तो CNG की वजह से ये भी जल जाती है लाइट। तो चेक इंजन की लाइट अगर कभी भी हमारी गाड़ी में आ जाती है ना, तो भाई इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। कहीं भी अगर आपकी गाड़ी में चलते चलते ये वाली लाइट जल जाती है ना, तो तुरंत उसको गाड़ी को बंद कर दें साइड में लगा के, और एक बार दोबारा 2-4-5 मिनट बाद एक बार स्टार्ट करके देखें। अगर आपकी गाड़ी में ये लाइट चली जाती है तो ठीक है, उसको आप गाड़ी को चला लो। लेकिन अगर ये लाइट नहीं जाती, कंटिन्यूसली जलती रहती है या फिर ब्लिंक भी करती रहती है, तो उस टाइम पे आप सर्विस सेंटर में ज़रूर कांटेक्ट करें या रोड साइड असिस्टेंट बुला के अपनी गाड़ी को टो करके लेके जाएं। इस गाड़ी के जलने के साथ ना आपकी गाड़ी को चलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि इंजन भी सीज हो सकता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगली ये वाली जो लाइट है, ये है भाई सीट बेल्ट की। सीट बेल्ट की लगभग सभी को पता होता है, जब तक आप गाड़ी चलाएंगे जैसे ये सीट बेल्ट की लाइट ऑन रहेगी, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो, और 10-15 किलोमीटर की जो स्पीड पकड़ेगी ना गाड़ी, तो ये सीट बेल्ट की लाइट ये ना ब्लिंक करने लग जाती है और टू 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 की आवाज़ भी साथ में आती है। तो जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, ये लाइट कंटिन्यूसली ऑन भी रहेगी, आवाज़ भी करती रहेगी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आवाज़ करती ही रहेगी। उसके बाद ये तीसरी जो लाइट है, ये है बैटरी की। तो ये इंडिकेट करती है कि भाई आपकी बैटरी ना इस टाइम पर डिस्चार्ज होने की कंडीशन में है, मतलब अभी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज नहीं हो रही। और जैसे ही आप इसको गाड़ी का सेल्फ मारेंगे ना, तो अल्टरनेटर से ये अपना बैटरी चार्ज होने लग जाएगी और फिर ये बैटरी का इंडिकेशन भी ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ये वाली जो लाइट है। इस लाइट का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी में ना जो इंजन ऑयल है, वो इंजन ऑयल लो लेवल पे आ गया है। अगर कभी भी चलते हुए एक लाइट आपके सामने आ जाती है, जल जाती है, तो भाई इतना मतलब वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 5-10 किलोमीटर आप चला सकते हैं। बट एज सुन एज पॉसिबल इसको टॉप अप आप ज़रूर करवाएं, या फिर इंजन ऑयल इसका पूरा ही रिप्लेस करवाएं, तो आपकी गाड़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अच्छे से चलती रहेगी। तो ये तो बात हो गई जो लाइटें परमानेंटली जलती हैं अपना इग्निशन ऑन करने के बाद। अब कुछ लाइटें ऐसी है जो, जैसे अभी मैंने बंद कर दिया ना, जैसे ही मैं चालू करूंगा ये देखना, ये लाइट आ गई, ये लाइट आ गई, एक ये लाइट है, ये भी अभी थोड़ी देर बाद चली जाएगी, ये देखो चलेगी। तो ये लाइटें किस किस चीज़ की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बार मैं दोबारा इसको ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले ये लाइट आई है ABS, जिस पे लिखा था। तो ABS का मतलब होता है, जो हमारे आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आती है ना गाड़ियों में भी और बाइक्स में भी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हमारी गाड़ी में हम अगर सडन ब्रेक लगाते हैं ना, तो एकदम से वो जो टायर होते हैं ना, वो लॉक नहीं होते। वो जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, वो ऐसे जैसे डिस्क को ऐसे कभी पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, अगर हमारा स्टेयरिंग घुमा हुआ है तो वो स्किड करके नहीं जाती, वो टायर थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है,
तो जिस तरफ हमारे स्टेयरिंग की रोटेशन है ना, ये जिस तरफ टायर की रोटेशन है, तो ब्रेक लगाने के बाद भी वो थोड़ा 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 धीरे धीरे करके रुकते हैं, तो वो गाड़ी स्किड नहीं होती और एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी अगली लाइट पे, ये है, ये देखो ये चाबी का जो साइन बना हुआ है। अब ये चाबी का साइन ऑन करते ही एक या दो सेकंड के बाद चला जाता है। इसका मतलब होता है जैसे हम अपनी गाड़ी में ना, ये हमें गाड़ी की चाबी जैसे मिलती है, दो चाबियां मिलती हैं गाड़ी के साथ, तो अगर ये हम डुप्लीकेट की लगाएंगे, मान लो ये जो इसके दांते है ना, ये किसी ने भी सेम चाबी की कॉपी करके बना दी और इसको हम ऑन करेंगे, तो वो क्या काम करता है, इसमें लगाएंगे ना, ये देखो जैसे चाबी मैंने लगाई, चाबी लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे और इग्निशन ऑन करेंगे, तो यहाँ तक तो ये ऑन हो जाएगा और ये चाबी की लाइट ना यहाँ पे परमानेंटली जलती रहेगी। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो जब तक इसका सेंसर या इसकी जो कोडिंग होती है वो उससे मैच नहीं करेगी, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और कोडिंग अगर हो भी जाए और अगर ये लाइट आपकी परमानेंटली जल रही है, तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आप इसको चाबी को या इसके सेंसर को चेक करवाएं। और दूसरा इसका कारण क्या होता है, कुछ गाड़ियों में जैसे वो आता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, कीलेस एंट्री वाला सिस्टम, जैसे ये तो फिजिकल चाबी है, तो एक रिमोट की आती है, उसमें खाली लॉक अनलॉक के बटन होते हैं और कुछ स्टार्ट ऑफ बटन होता है यहाँ पे, और बाहर भी रिक्वेस्ट सेंसर होते हैं दरवाजे पे, हैंडल पे, उसको बटन को दबा के खुल जाता है। तो उस अगर की फॉब की जो बैटरी है वो अगर आपकी लो हो जाती है, तो उस टाइम पे भी ये की लाइट जलती है। तो इसकी बैटरी आप पहले इसको रिप्लेस करवा ले, जो इसके अंदर सेल होता है वो चेंज करवा के देख ले, अगर उससे वो लाइट चली जाती तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अपना आप सर्विस सेंटर में उसको दिखा सकते हैं कि ये किस वजह से आई हुई है। तो इसको भी मतलब इग्नोर आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइट आ जाती है, ये है एयरबैग की लाइट। अब एयरबैग की ये जो लाइट होती है ना, ये 3 से 4 सेकंड के बाद जाती है जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं। अब ये चली गई, उसके बाद क्या है, मतलब अगर ये लाइट चली जाती है 3 से 4 सेकंड के बाद, तो समझ लो आपका जो ABS है, सॉरी ABS कह रहा हूँ, तो समझ लो आपका जो ये एयरबैग है, एयरबैग की लाइट है ये, एक ये यहाँ पे एयरबैग होता है, एक वहाँ पे एयरबैग होता है। आजकल गाड़ियों में ना गवर्नमेंट की तरफ से 2 एयरबैग मैंडेटरी कर दिए, तो लगभग 2 हर गाड़ी में आते हैं एयरबैग, किसी में 4 भी होते, किसी में 6 भी होते, वो गाड़ियों के प्राइस के और सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। तो कम से कम 2 एयरबैग तो आते ही आते हैं, तो ये जो लाइट है ये इंडिकेट करती है, एक बार आप इग्निशन ऑन करोगे ये लाइट आएगी और कुछ सेकंड के बाद ये चली जाएगी, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके एयरबैग भी ठीक से प्रॉपरली काम करेंगे इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो। और इसी लाइट से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है भाई, देखो जैसे अभी मैंने ये इग्निशन बंद कर दिया, कुछ लोग क्या होते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, इग्निशन चालू करेंगे और अभी तुरंत सेल्फ मार देंगे, तो वो चीज़ भाई गलत है। इसमें क्या होता है, अभी नई टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है, तो गाड़ियों में ना अपना ECM होता है, ECM सारा एक तरीके से पूरा कंप्यूटर होता है, वो सारी चीज़ों की लाइट वाइट और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब जैसे वो ABS था, या ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक लगी हुई है तो इसकी लाइट जली हुई है, ये पावर स्टेयरिंग की लाइट है, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो जब तक पावर स्टेयरिंग काम नहीं करेगा। तो ECM का काम यही होता है कि गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करना। अब क्या है कि सेल्फ मारने के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी ये बंद है ना, अब जैसे हम चालू करेंगे, अभी ये अपना जो ECM है वो सारा इस सारी चीज़ों के पास सेंसर में करंट भेज रहा है और सारी चीज़ों को स्कैन कर रहा है। अब ये सारी लाइटें जो बंद होनी थी वो बंद हो चुकी हैं, जो जलती रहनी थी वो जल रही है, तो कम सबसे लास्ट में एयरबैग वाली जो लाइट है ये बंद होती है। तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करें ना, जब तक ये एयरबैग वाली लाइट बंद नहीं हो जाती अपने आप, तब तक आप गाड़ी को सेल्फ ना दें या स्टार्ट ना करें, ये लाइट बंद होने के बाद ही इसको स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई अब हम आ जाते हैं अपनी गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आखिरी लाइट की तरफ, वो है ये रेड वाली लाइट आपको दिख रही थी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर की लाइट, थी ना, ये 2 कलर में होती है हमारी गाड़ी में, एक रेड और एक ब्लू। हम क्या करते हैं, जैसे सुबह सुबह अपनी गाड़ी में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन जैसे ही ऑन किया ना, तो यहाँ पे ये लाइट आएगी ब्लू कलर में, और ये एयरबैग वाली लाइट बंद होने के बाद आप इसको सेल्फ मारेंगे तो ये जो लाइट थोड़ी देर के लिए ना ब्लू कलर में ही जलेगी,
अभी तो वैसे मैं गाड़ी चला के लाया था, तो गाड़ी मेरी नॉर्मल कंडीशन में, एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ अगर ब्लू कलर में लाइट आएगी तो। तो नहीं भाई नहीं आई अभी तो, क्योंकि मैंने आपको बताया गाड़ी चला के लाया था। यही आप सेम कंडीशन अगर सुबह मॉर्निंग में करेंगे ना, तो यहाँ पे ना ये लाइट आएगी ब्लू कलर में, इसका मतलब है गाड़ी आपकी ठंडी है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, वो है ये, अभी जैसे ये आरपीएम की सुई 1000 आरपीएम से थोड़ी सी नीचे है, सुबह हम जैसे ही सेल्फ मारेंगे ये सुई एकदम से पहुंच जाएगी 2000 आरपीएम पे, और इस टाइम पे जब ये 2000 आरपीएम पे होती ना, तो भाई हमें रेस बिल्कुल भी नहीं देनी है, मतलब एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दबाना है। ये सुई ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे करके एक या एक से नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इंजन अपना नॉर्मल राउंड पे आ गया है। उसके बाद ये है लाइट, ये लाइट ना जब तक ब्लू कलर में रहेगी, जब तक इसका साइन है कि आपकी गाड़ी अभी ठंडी कंडीशन में है या ठंडी पोजीशन में है, तो इस लाइट के जलते रहने तक ना आप गाड़ी को आइडल में ही खड़ी रहने दें। उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट, यानी कि आप अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर लें। इसके दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ये 2000 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक ये जो सुई आएगी, पहला स्टेप तो ये है। अगर आप ये पहला स्टेप कर लेते हैं तो आप बेशक अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप जो आपकी गाड़ी के लिए आगे आने वाली लाइफ के लिए अच्छा होता है, वो है ये टेम्परेचर वाली लाइट। अगर ये टेम्परेचर वाली लाइट तक आप गाड़ी को खड़ी रखते हैं, यानी कि ये जब तक लाइट नहीं जाती तब तक आप इसको आइडल पोजिशन में रखते हैं, तो आपकी जो गाड़ी का ना इंजन है और उसकी आने वाली जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और लाइफ टाइम तक, मतलब जब तक आपकी गाड़ी है, आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। ये देखो भाई, ये है इवनिंग की, जो मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट करी है ना, तो ये आरपीएम वाली सुई अभी 2000 आरपीएम पे थी, अब ये धीरे धीरे 1500 पे आ गई है, और ये ब्लू वाली लाइट आप देख रहे हैं, ये वाली, ये टेम्परेचर की लाइट है, और ये देखो ये सुई ना धीरे धीरे नीचे आ रही है, और जैसे ये एक पे या एक से नीचे आ जाएगी ना, उस टाइम पे आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। और अगर और ज़्यादा बेटर, अच्छा आपको रिस्पॉन्स चाहिए लॉन्ग टर्म में अपने इंजन से, तो कोशिश आप ये करें कि जब ये लाइट बंद हो जाए ना ब्लू वाली, उसी के बाद आप अपनी गाड़ी चलाएं। बट अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो अब ये देखो ये जैसे एक से नीचे आ गई है, तो इस टाइम पर आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कोल्ड कंडीशन वाली बात। अब करते हैं इसी लाइट के रेड होने की। मान लो आपने काफ़ी ज़्यादा गाड़ी अपनी चला ली, 200, 300, 400 या लगातार 500 किलोमीटर आपने चला ली, और गाड़ी आपकी हो गई हीट, तो भाई यहाँ पे इस नीली लाइट की जगह पे यहाँ पे रेड लाइट जल जाएगी, तो समझ लो आपकी गाड़ी हीट हो गई है और उसको ठंडा करने की ज़रूरत है। थोड़ी देर आप उसको 15-20 मिनट आधे घंटे का रेस्ट दें, और अपना कूलेंट आप एक बार चेक कर लें, अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट ठीक है और प्रॉपर टॉपअप है, तो 15-20 मिनट बाद आप गाड़ी को बंद करके, जैसे 15-20 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर दोबारा ये लाइट चली जाएगी और फिर दोबारा आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने भाई को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।